अस्सलाम वालेकुम, बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कीमा की रेसिपी दे रही हूँ। 1 किलो कीमा, उसमें मैं एकदम परफेक्ट सब चीज़ डालूंगी, उसी हिसाब से आप लोग बनाइए, बहुत मज़ेदार होगा। 1 किलो कीमा, उसमें 1 कप प्याज जाएगा और इसमें 1 पाव टमाटर जाएगा, 1/2 किलो मटर का दाना जाएगा और शिमला मिर्च जाएगा। आप लोग को स्किप नहीं करना, मैं एकदम आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा कीमा बनेगा और आगे आप तो जुड़े रहिए हमसे। पर ये प्याज को अच्छी तरह से मैं ब्राउन कर लूँगी। एक किलो गोश्त है कीमा हाथ कूटा हुआ, उसमें 1 पाव प्याज, 1 पाव टमाटर, 150 ग्राम तेल और बाकी जो और चीज़ जाएगी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या सीक्रेट चीज़ जाएगी, क्योंकि कीमा आपका बहुत लाजवाब बन जाएगा। देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया, ब्राउन हो गया। अब इसे ज़्यादा नहीं करना है लाल एकदम। अब इसमें डालूँगी कीमा, ये कीमा जाएगा इसमें बिल्कुल। मैं आपको परफेक्ट रेसिपी दे रही हूँ, सब चीज़ परफेक्ट परफेक्ट। 1 किलो गोश्त है, हाथ कूटा हुआ कीमा, किसी चीज़ का लें आप, इसको कढ़ाई में ही बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में ये देर होगा कि ये बड़े का है। अगर मटर इसका है, चिकन का है, तो आप इसको इसी कढ़ाई में बनाएं और ये टाइम लगेगा, इसमें जल्दी हो जाएगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी 2 मिनट। अब इसमें जाएगा 250 ग्राम टमाटर और जाएगा हल्दी और मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डालिए, कम या ज़्यादा, हर कोई अपने हिसाब से खाता है। अब इसमें जाएगा नमक, नमक भी हाथ पे ज़रूर डालिए। उसके बाद इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, उसमें 2 चम्मच को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मिक्स करके 4 सीटी लगाऊंगी मीडियम आंच पे, इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ। उसमें इसमें क्या क्या सीक्रेट सामान जाएगा आप मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें, कोई पैसा उसमें नहीं लगता है और आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरी हिम्मत बढ़ती है। और लाइक और शेयर ज़रूर करें और फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। इसमें 4 सीटी आने देते हैं। क्या मेरा कीमा हो गया। अब इसमें मटर, ये सीक्रेट चीज जाएगा, इसका डाल देने से कीमे का मज़ा दुबाला हो जाएगा। मटर और इसमें अब जाएगा एक और सीक्रेट चीज, आपको मैं ये जाएगा शिमला मिर्च। आजकल शिमला मिर्च का दिन है, मटर और शिमला मिर्च डाल दीजिए सब्जी में तो मज़ा दुबाला हो जाता है। गोश्त में सब्जी बनाइए, पनीर बनाइए, हर चीज़ का मज़ा दोबारा हो जाता है। मैं इसको डाल के मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। अब कुकर का ढक्कन इसमें नहीं लगाना, उसको ऐसे ही थोड़ा सा पानी सुखाऊंगी तेज़ आंच पे, उसके बाद फिर इसको मीडियम टू लो पे भून दूँगी अच्छी तरह से। फिर मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद।
आफ्टर 5 मिनट के बाद मिलती हूँ आपसे। देखिए अब इसमें मेरा गरम मसाला चला जाएगा और थोड़ी सी चटपट काली मिर्च चला जाएगा। देखिए मेरा अच्छी तरह से कितना शानदार सा कीमा तैयार हो गया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हिसाब से आपको बताया। 1 किलो कीमा, पाव भर गोश्त, पाव भर टमाटर और 1/2 किलो मटर और 400 ग्राम शिमला मिर्च, 1/2 किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास 400 ग्राम था इसे मैंने 400 ग्राम डाला। देखिए इसको शक्ल कितनी अच्छी आई है निकल के। और शिमला मिर्च हम लास्ट में डालें भूनने के टाइम, पहले डाल देंगे तो पच 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 सा हो जाएगा। अच्छा शक्ल निकल के आया, मैं आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपको पूरी की रेसिपी दे रही हूँ, पूरी और कीमा। सर्दी में ये सब खाना बहुत अच्छा लगता है। देखिए आटा लिया है मैंने 2 कटोरी और थोड़ा सा इसमें घी चला गया, इसमें घी डालें या तेल डालें कुछ भी डालें, हमने इसमें तेल डाला है। और ये डाला गया नमक, नमक अपने हिसाब से डालिए, कोई ज़्यादा खाता कोई कम खाता। अब सर्दी का टाइम है तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए क्रश करके, इससे चूंकि टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये फ़ायदेमंद भी है। थोड़ा सा ज़ीरा चला गया, थोड़ा सा इसको मैं चटपटा करने के लिए काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पहले। अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर थोड़ा टाइट सानूंगी, टाइट इसका डो बनाऊंगी, रोटी की तरह नहीं, अब बहुत टाइट भी नहीं बहुत सख्त मुलायम भी नहीं। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि हर चीज़ इसमें अच्छे से रच बस जाए और खाने में बहुत अच्छा लगे और कुरकुरी भी होगी क्रिस्पी। अगर थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच सूजी आप डाल देंगे ना तो बहुत कुरकुरी और ख़ास्ता पूरी बनेगी। और ये कीमे के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ, जिस चीज़ से भी इंजॉय करें बहुत ही अच्छा लगेगा। और सर्दी में तो खाना हेवी लेना चाहिए, चाहे लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं। चलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के करूँगी, एक बार पानी डाल देने से गीला हो जाने का ख़तरा रहता है। देखिए हमारा डो तैयार हो गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको सेट होने दूंगी। 10-15 मिनट इसको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। इसको अच्छे से मसाल दूंगी ऐसे करके, तो तैयार हो गया। अब इसको मैं 15-20 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दे रही हूँ। देखिए मैं छोटा छोटा सा एक लेमन के बराबर इसका पेड़ा काट के बनाऊँगी। और पूरी हमेशा एक तरफ से बेलिए, दोनों तरफ से बदल बदल के नहीं बेलिए, उससे फूलेगा नहीं पूरी आपकी। अब अपने हिसाब के साइज सा बेलिए, कोई छोटा कोई बड़ा, मतलब मैं इस टाइप का बेलूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए तेल एकदम जब गर्म हो जाए उसका स्लो कर दीजिए चूल्हा, उसके बाद तलिए, उसके ऐसे ऐसे हल्के हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, देखिए आपकी पूरी फूल जाएगी। ऐसे प्रेस कर करके खूब फूली फूली पूरी होगी। ये दूसरे तरफ से पलट दीजिए, मैं आपको एक और बेल के दिखाती हूँ। अच्छी कितना अच्छा कलर आया।
देखिए इसे टप्स डालूंगी, इसे इसी से प्रेस कर करके हल्के हल्के हाथों से इसका ऐसा बनाइए, पूरी अच्छी से पूरी बनाइए। इसमें अजवाइन डाल दीजिएगा ना, तो इसमें आपको गैस वैस का भी शिकायत नहीं होगा। जो लोग गैस का शिकायत हो जाता है, तली हुई चीज़ खाने से भारीपन नहीं लगेगा बिल्कुल।